दिस इज साइंटिफिक SM5118 LCR मीटर विल सी द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज द फ्रंट पैनल, दिस इज द पावर ऑन ऑफ स्विच. सो दिस आर द फोर BNC कनेक्टर्स एंड दिस इज द केल्विन प्रोब. सो वी नीड टू कनेक्ट दिस केल्विन प्रोब टू दिस BNC कनेक्टर्स. ब्लैक विल गो टू LS एंड LD एंड रेड कनेक्टर्स विल गो टू HS एंड HD. सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट द केल्विन प्रोब. नाउ दिस आर द टू टर्मिनल्स वेर यू कैन कनेक्ट योर DUT. नाउ नेक्स्ट इज मोड. इन मोड यू कैन फाइंड LCRZ. सो राइट नाउ द इंस्ट्रूमेंट इज इन LC मोड. एज यू कैन सी इट इज इंडिकेटिंग L/C. सो यू कैन मेजर द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. टू गो टू रेजिस्टेंस यू नीड टू प्रेस दिस स्विच वंस. सो नाउ यू कैन सी इट हैज स्विच टू R मोड, रेजिस्टेंस मोड. सो नाउ इट इज इन रेजिस्टेंस मोड. सो यू कैन कनेक्ट रेजिस्टेंस हियर. नाउ नेक्स्ट इज Z, दैट इज इम्पीडेंस मोड. वी हैव टू प्रेस दिस स्विच वंस अगेन. सो नाउ दिस इज इम्पीडेंस मोड. सो दिस इज हाउ यू कैन स्विच द मोड फ्रॉम इंडक्टेंस टू रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस. नाउ नेक्स्ट इज रेंज. राइट नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज नाउ इन ऑटो रेंजिंग मोड. इफ यू वॉन्ट टू चेंज द रेंज यू कैन प्रेस दिस स्विच वंस. सो राइट नाउ दिस इज इन रेंज 6 एंड यू कैन अगेन स्विच इट टू रेंज 1, 2, 3. सो दे आर डिफरेंट रेंजेस अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन. यू कैन हैव ऑटो रेंजिंग ऑल्सो और यू कैन सिलेक्ट द रेंज. नेक्स्ट वॉट वी हैव इज फ्रीक्वेंसी. दिस इंस्ट्रूमेंट हैज टू फ्रीक्वेंसीज, 100 Hz एंड 1 kHz. सो राइट नाउ इन डिस्प्ले इफ यू सी वन इज डिस्प्लेड. सो दिस इज 1 kHz. वंस यू प्रेस दिस फ्रीक्वेंसी स्विच सो नाउ दिस इज 100 Hz. सो यू कैन हैव टू टेस्ट फ्रीक्वेंसीज, 100 Hz एंड 1 kHz, एंड यू कैन स्विच फ्रॉम दिस स्विच 100 Hz एंड 1 kHz. नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सर्किट. दिस इज फॉर सीरीज एंड पैरेलल. सो नाउ इट इज डिस्प्लेइंग PAR, इट मीन्स पैरेलल. टू स्विच इट टू सीरीज सो यू कैन प्रेस दिस स्विच वंस. सो नाउ इट हैज गॉन टू सीरीज मोड. सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द इक्विवेलेंट सर्किट. नेक्स्ट इज कैल स्विच. दिस इज फॉर प्रोब कंपनसेशन. दिस इज यूज फॉर जीरो कंपनसेशन. यू कैन हैव टू कंपनसेशन मोड्स, ओपन एंड शॉर्ट. टू डू द कंपनसेशन इफ यू वॉन्ट ओपन कंपनसेशन जस्ट कीप दिस टर्मिनल्स लाइक दिस एंड प्रेस कैल. सो ओपन कंपनसेशन इज डन. इफ यू वॉन्ट शॉर्ट कंपनसेशन शॉर्ट Short these two terminals and press cal. So this is how short compensation is done. Next we have Q, D and phase. So Q is for quality factor, D is for dissipation factor and theta is for phase angle. Next we have bias. This is for providing 2 volt polarizing voltage for use when measuring electrolytic capacitors. Now we have few components with us. We'll see measurements on this unit. So first we are taking this capacitor. This is a 47 microfarad capacitor. We'll connect this capacitor. So as we have connected 47 microfarad capacitor, the reading you are seeing as 42.89 microfarad. Now we'll change this to inductor. This is a 157 micro Henry inductor. So we'll connect this inductor and see the reading. So the inductor value is coming as 158 micro Henry. So now we'll move to resistance. So we'll press this. In order to go to resistance mode, we'll press this switch once, mode switch. So now it is in R mode. Now we'll connect this is a 1K resistance. So 1K is reading as 994.2 ohm. Similarly, this is a 200K resistance. So this is as 201.1. You can change the frequency also. So this is a 1 kilohertz reading. To change the frequency, you go to 100 hertz. So now it is same 100 Hz and 1 kHz. So this is how you can change the frequency and you can measure the take the measurements.